किसी के ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो उन लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग के भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिन जो माँ एक बच्चे के लिए तड़पती है ना, उनसे जाके पूछिए कि बच्चा क्या होते हैं और बच्चे कैसे पैदा करते हैं। तो वही, चलिए हम वीडियो कैसे अंत करते हैं, बाय बाय। और दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। तो कैसे बने आप लोग बताएं मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो कुछ खास रहेगा तो ज़रूर देखिएगा आप लोग और वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों आजकल मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत लोग के डाउट हो रहा है और कन्फ्यूज हो रहा है कि मेरा तबीयत क्यों ख़राब चल रहा है, क्यों नहीं। बहुत लोग मतलब पूछ रहे हैं, आइए हम काफ़ी दिन से ब्लॉग डालना चाह रहे हैं लेकिन नहीं डाल पा रहे हैं। तो गाइस नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि तबीयत इतना ख़राब चल रहा था कि बीच में कि मेरा वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए। तो अब लेकिन मेरा डॉलर बहुत स्लो बन रहा है तो इसीलिए मुझे मजबूरी में ही समझ जाइए कि मतलब वीडियो बनाना पड़ रहा है, तबीयत को सही करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वीडियो हम नहीं बनाएंगे तो मेरे घर में कोई और है नहीं कि मेरा वीडियो उठा बना के डाल दिया, कोई नहीं ऐसा है आज की दुनिया में, कोई अपना नहीं है। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड तो है नहीं, वो तो चले गए इलाहाबाद, तो खुद हम ही को वीडियो बनाना, एडिट करना, सब चीज़ करना। तो भाई अब हमारा यही रोजी रोटी है, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो करना तो पड़ेगा ही। तो हम आप लोग के बताना चाहते हैं कि क्यों मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है, क्या हुआ है मुझे, मैं आप लोग को बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट और आ रहा था, भाभी जी आपका क्या हुआ है। कुछ लोग तो मतलब वीडियो डाले भी हैं, कुछ लोग कह रहे थे हाथ में क्या ली हो, तो हम आप लोग के इसी ब्लॉगिंग में बता देते हैं कि क्या लिए हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं है। तो इसी के वजह से तबीयत ख़राब होने की वजह से बस। लेकिन अब तो दोस्तों मेरे से मतलब लोगों के इतना भरोसा टूट गया है, यकीन टूट गया है, विश्वास टूट गया है। तो हम बताते हैं किसी से भी कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है तो कोई यकीन नहीं करता है, तो क्या करेंगे। अब यही मान लीजिए कि आज के दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। अब इंसान आपकी मतलब आप बीमार हो कि क्या हो, मतलब कोई चीज़ कहने वाली कह रही है कि अरे वो तो वीडियो बना रही है इतना अच्छे से, ये वो। देखिए दोस्तों हमको ना ये नहीं, हम देख तो मेरा फ़ोन ख़राब है तो हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब हम किसी तरह YouTube पर आ जाए, कैसू बैनर के कर लेगा, मतलब एक लिमिट होता है ना, जैसे कुछ लोग होती हैं कैसू वीडियो बना के डाल देती हैं, तो हमको खुद ही देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना हम वीडियो अच्छे से बनाते हैं। हम सोचते हैं भले तबीयत सही नहीं है तो दो चार दिन लेट करके बने लेकिन अच्छे से बने। तो इसी के वजह से तो हम आप लोग के, चलिए छोड़िए हटाइए फालतू बातें, लोग क्या कह रहे हैं कहने दी, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे साथ भगवान है, पब्लिक है ना, जनता है ना, मुझे जनता के प्यार दुलार चाहिए और किसी के नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा जनता रहेगा ना, आप लोग रहेंगे ना दोस्तों, तो मुझे बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत हमको पूछने वाले लोग आएंगे। हम जानते हैं इस टाइम थोड़ा मेरा स्थिति ख़राब चल रहा है ना, तो इसीलिए और हम वीडियो बना रहे हैं तो हम सबके नज़र में गलत हैं, गिर गए हैं, तो इसीलिए लोग उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, मेरा जो काम है वो तो हम कर वही करेंगे। तो आप सभी से मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसी की वजह से मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है, उल्टी वगैरह कुछ भी होता है, जो भी चीज़ें होता रहता है इसी के कारण से, समझ गए आप लोग। तो देखिए आप लोग के रियल दिखा देते हैं, ये है किट, जांच हुआ था और इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना इसको रखे रखे, तो मतलब दो तीन दिन हो गया तो हम रखे थे ऐसी वीडियो ही बनाने के लिए आप लोग के बताने। तो इसी के वजह से तो मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है और कोई समस्या नहीं है, खुशी की बात है। चलिए कि मैं दोबारा भगवान ने सौभाग्य की बात दी है जो हम माँ बनने वाले हैं, तो बस आप लोग अपना दुआ बनाए रहिए। तो अविष्टा के भाई या बहन कुछ भी, जो भी भगवान की मर्ज़ी, मेरे हाथ की चीज़ तो है नहीं, भगवान की मर्ज़ी से आने वाला है जो मेरे घर में मेहमान, तो भगवान से आप लोग दुआ कीजिए कि सही सलामत और हंसी खुशी से मेरे घर में जो भी आए अच्छे से आए, ठीक है। तो हम आप सभी से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ मेरे लिए इतना भगवान जी से दुआ कर दीजिएगा आप लोग। तो अब हमारे घर में नए मेहमान आने वाले हैं, इस्ता के भाई या बहन कुछ भी, जो भगवान के हाथ की चीज़ है, भगवान कुछ भी दे, तो
मेरे हाथ की चीज़ तो है नहीं कि हम जो चाह लेंगे वो मुझे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा और बस यही आप लोग से कहेंगे और क्या। तो गाइस बहुत लोग कहते हैं कि शरीर कमज़ोर है, इतना जल्दी जल्दी बच्चा ला लेती हूँ, तो हम आप सभी के बता रहे हैं, जो भी मेरी बहन हो, मेरे बहन लोग भी बोलती हैं, दीदी लोग, कि तुम इतना कमज़ोर हो बच्चा ला लेती हो। तो देखिए देखो दीदी, हम बता रहे हैं तुम लोग से, हम बच्चा खुद से नहीं लाते हैं, ठीक। बच्चा मेरे हाथ की चीज़ नहीं है, वो भगवान की और प्राकृतिक नियम है जो आ जाता है। हम भी चाहते हैं कि 2-4 साल लेट हो जाए, लेकिन क्या करें, भगवान तुम लोग के तो खुश होना चाहिए कि मतलब एक माँ बनना बहुत लकी, जैसे लकी होते हैं लोग, लकी और सौभाग्य की और खुशी की बात होती है, क्योंकि हर किसी के किस्मत में नहीं होता है माँ बनना। देखिए कितने लोग बच्चे के लिए रोते हैं, बिलटते हैं, फिर भी भगवान कोई सुनवाई नहीं करते हैं, करते हैं ना, सही कह रहे हैं कि नहीं, बुरा मत मानिएगा आप लोग, जो भी मतलब जिनके साथ नहीं हुआ होगा, हुआ होगा ये बातें, तो बुरा मत मानिएगा, ये बहुत किस्मत की बात होती है जो मतलब माँ बनने के भगवान सबके मौका नहीं देते हैं। तो बहुत दिल किस्मत की लकी औरतें को मतलब अब समझ जाइए कि जो बेचारी बच्चे के लिए रोती हैं, बिलड़ती हैं, काश मेरा एक लड़की ही न आ जाए, उन लोग से पूछिए कि बच्चे और माँ बनना क्या होता है, उन लोग से पूछिए। हम लोग के तो मान लीजिए होता है तो हम लोग के समझ में नहीं आता है, जिनके बच्चे आते जाते रहते हैं, मतलब बच्चे आते हैं किसी के 5, किसी के 6, बता दिए आप लोग के, दिखा भी दिए कि रियल क्या है, मेरा तबीयत क्यों ख़राब, तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा अब, ठीक है। अब बस आप भगवान से दुआ कीजिए मेरा तबीयत सही रहे, ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ और हंसी खुशी रहूँ और आप लोग तो मेरा वीडियो देखने को मिले, ठीक है। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है मेरा वीडियो, ठीक है।